हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। बना रहे हैं हम यहाँ पालक का पतला साग। अगर आपको बनाना नहीं आता है तो बड़े आसानी के साथ आप यहाँ सीख सकते हो इस पतले साग को, पालक वाले, और इतना जायकेदार होता है। एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा। अगर आपने इस तरह से नहीं बनाया और वीडियो अगर पसंद आ जाए ना तो प्लीज़ लाइक एंड कॉमेंट, तो फिर बनता है। तो चलिए फिर बनाना फटाफट से शुरू करते हैं। तो यहाँ पालक के साग में हमें कुछ और ऐड नहीं करना है, मतलब मेथी वेथी, सिर्फ पालक का साग लिया है हमने यहाँ। तो ये देखिए एकदम फ्रेश पालक। अच्छा, पतला साग जो बनाते हैं उसके लिए एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है। वैसे तो जो मतलब मम्मी लोग होते हैं वो क्या करते हैं, धुलते हैं, अच्छे से भीनते हैं और फिर काटते हैं बारीक बारीक। तो ये तामझाम भाई मैं तो नहीं करती। मैं पता है क्या करती हूँ, फटाफट से बस अगर पतला साग बनना है तो बस रफली चॉप्ड कर लो, ऐसे ही नाइफ से मोटा मोटा काट लो क्या जा रहा है, और उस क्योंकि पिस जाना है, ये घुट जाना है एकदम। फिर यहाँ देखो अच्छे से मैंने धुल लिया, बेल लिया और ये फटाफट से रफली हुई चॉप किया, 3-4 लहसुन की कलियाँ ली, मतलब टेस्ट के हिसाब से मिर्च ऐड कर देनी है, नमक ऐड कर देना, थोड़े से चावल, बिल्कुल ज़रा से करने हैं, बहुत ज़्यादा नहीं लेने वरना टेस्ट एकदम बकवास हो जाएगा। तो जैसे हमने यहाँ 500 ग्राम पालक का साग लिया है तो उसके हिसाब से यहाँ 1.5 टीस्पून भर के चावल लिए हैं कच्चे, और उसके बाद इसको अच्छे से धुल लिया और इसमें ऐड कर दिया। तो इसमें कुछ और ऐड नहीं करना है सिवाय चावल, लहसुन, नमक और फिर मिर्च। इसके अलावा कुछ और चीज़ हम ऐड नहीं करेंगे। अच्छे से हाई फ्लेम पर हमने 4 व्हिसल लगा लिए हैं। अच्छा, प्रेशर कुकर में बना रहे हैं और वैसे हांडी में भी बनाते हैं कुछ, वो मिट्टी का बर्तन नहीं आता उसमें, तो उसमें भी बहुत जायकेदार बनता है भाई एकदम। फिर घोटे से वो जो होता है मतलब लकड़ी का होता है उससे घोटा जाता है, पीस दिया जाता है एकदम बारीक। अच्छा, फिर यहाँ पर हमने 4 व्हिसल लगा लिए, उसके बाद मिक्सी में क्या किया, इसको ग्राइंड कर लेना है। लेकिन एक चीज़ का याद रखना है, ऐसा नहीं कि पूरा राउंड लेना है, बस एक दो हल्का सा कट लगाना है, मतलब हल्का फुल्का। आप चेक करोगे ये एकदम बारीक पिस जाएगा, घुट जाएगा, बहुत बढ़िया क्रीम जैसा। और हाँ भाई, यहाँ पानी बिल्कुल ऐड नहीं करना है क्योंकि जब आप पालक बना रहे हो तो वो पानी छोड़ता है। और उसके बाद तड़का लगा दिया लाल साबुत मिर्च और लहसुन से, बस उसके बाद आप इंजॉय करिए, खाइए, बहुत टेस्टी लगता है। और अगर पसंद आ जाए ना तो फिर कॉमेंट एंड लाइक तो बनता ही है। चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, चैनल को सपोर्ट कर दें। मिलते हैं जल्दी एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।